नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम धन के चार्ट्स पर स्कैल्पिंग करना सीखेंगे और उसके साथ ही धन ने जो स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं हम उनको भी इस्तेमाल करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में एक लिंक दिखाई दे रहा होगा tv.dhan.co, तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पर सर्च करना होगा इस लिंक को और अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपकी जो धन के जो आपके लॉगिन डिटेल्स हैं आपको उसमें एंटर करके अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अभी जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे, तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर लॉगिन करने के बाद। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 50-50 का इंडेक्स दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मनपसंद के पहले स्टॉक को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। तो आपको ऊपर की ओर बाएं साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मनपसंद का यहाँ पे स्टॉक सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सर्च होके आ गया है, तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे यूनियन बैंक का यहाँ पे स्टॉक है सफलतापूर्वक ऐड हो गया है चार्ट के फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे चुनना है, तो आप यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे 5 मिनट में करना चाहेंगे के? तो जैसे कि आप देख सकते हैं पॉप विंडो खुल के आएगी, तो आप जैसे जिस भी टाइम फ्रेम पर करना चाहें वो आप यहाँ चुन सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे करना चाहेंगे, तो हम इसको 5 मिनट पे ही रहने देंगे और आप अपने अनुसार यहाँ पे चुन सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे स्कैल्पर की बात कर रहे थे, जो स्कैल्पिंग फीचर की बात कर रहे थे, तो हम उसके माध्यम से यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक स्कैल्पर का यहाँ पे बटन, तो सीधे हम इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने एक पॉप विंडो खुल के आएगी, जिसे हम यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ महत्वपूर्ण दिखाई दे रही होंगी, एक बाय का बटन दिखाई दे रहा होगा, एक सेल का बटन, और दूसरी यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही होगी क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी आपको। तो जैसे ही अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो आप एक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1000 यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी आ गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एडिट करके एक क्वांटिटी कर देंगे। तो जैसे अगर आपको बाय करना है तो आप बाय पे डायरेक्ट करेंगे क्लिक, और अगर आपको सेल पे क्लिक करना है, सेल मतलब सेल करना है शेयर को, तो आप यहाँ पे सीधे सेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ बाय करने वाले हैं, तो हम सीधे बाय पे क्लिक करेंगे। चलिए हम कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऑर्डर है यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और हमारी जो पोजीशन है यहाँ पे तुरंत ओपन हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 0.05 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस प्रॉफिट्स हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जैसे अगर आपको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस वाला साइन दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रॉफिट विंडो खुल के आएगी और आपको यहाँ पे सीधे जो क्लोज पोजीशन दिखाई दे रहा है सीधे आप इस पर टैप करेंगे और आपकी पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा फीचर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक एरो जैसे दिखाई दे रहा होगा अप एंड डाउन में। इसका मतलब ये है कि रिवर्स पोजीशन का फीचर है ये। जैसे ही आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोजीशन यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अभी आपने बाय की पोजीशन खोली है, तो हमारी यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रेड और ब्लू एरो दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये ब्लू एरो दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लू एरो ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पे बाय पोजीशन यहाँ पे हमने ओपन की है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जी हमारी पिछली बाय पोजीशन है यहाँ पे, और जो हमारी बाय पोजीशन ये दिखाई दे रही है जो अभी हमारी करंट में चल रही है, और जो हमने पहली इसके पहले जो पोजीशन जो हमने सेल की हुई है किस पॉइंट पे की हुई है वो आपको यहाँ पे सेल पोजीशन दिखाई दे रही होंगी, ये आपको रेड और एरो में दिखाई दे रही है। तो अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जो टूल बार जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर की ओर, तो आपको यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में इसको स्वाइप करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चक्री जैसा आइकन दिखाई दे रहा होगा सेटिंग का, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन का विकल्प दिखाई दे रहा है, अगर इस डब्बे में टिक नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ओके का बटन, तो फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है।
फिर जैसे ही आप ओके पे कर देंगे, तो जैसे ही आपके जो एरो दिखाई दे रहे हैं कि आपने कहाँ पे बाय किया और कहाँ पे सेल किया है, तो वो आपको इसी तरह यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक फीचर और यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा फीचर, तो इस पे टूल पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अगला पेज खुल के आएगा पॉप विंडो के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर्स का विकल्प, तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंट्रा डे, तो इंट्रा डे में आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ओवरनाइट का यहाँ पे विकल्प, तो आप यहाँ ओवरनाइट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी अगले दिन के लिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो यहाँ पे सीधे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर उसके बाद जैसे चलिए पहले हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ आपको, तो हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी स्क्वायर ऑफ की विंडो खुलेगी। और एक और तरीका है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का, तो आप पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर यहाँ पे स्कैल्पर का यहाँ बटन, तो आपको सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फिर से यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो खुल के आएगी, तो आपकी जो पोजीशन अभी यहाँ पे रनिंग में चल रही है, तो आपको अगर इसको स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको ये दूसरा विकल्प यहाँ पे सेल वाला है, तो आप जैसे ही यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे सीधे यहाँ पे ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे इस क्रॉस के ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पोजीशन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सेल ऑर्डर है यहाँ पे लग चुका है, और हमारे यहाँ पे पोजीशन जो है यहाँ पे कट चुकी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे रेड वाला एरो कि हमारी पोजीशन कहाँ पे स्क्वायर हुई है। इसके बाद जैसे कि ये तो हमने मान लिया कि स्कैल्पिंग हमने यहाँ पे करना सीख लिया कि हमें चार्ट पे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको एक से ज़्यादा चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे धन लेआउट का विकल्प, तो आप यहाँ पे मल्टीपल विंडो पे चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो डब्बे वाला आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपको सीधे इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको अलग अलग यहाँ पे चार्ट के लेआउट आ जाएंगे, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई भी लेआउट को चुन सकते हैं, तो हम यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे लेआउट को चुन लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार्ट के लेआउट को चुन लिया है, और हमारी स्क्रीन है यहाँ पे दो भागों में बढ़ चुकी है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक ब्लू स्क्वायर के शेप में दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे इसकी लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ये ब्लू स्क्वायर की जो लाइन है जिस भी चार्ट के ऊपर होगी, तो आप खाली उसी चार्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे कि अगर हम राइट साइड वाले में क्लिक करेंगे तो हम इस चार्ट के अंदर ही यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको किसी अन्य स्टॉक में आप ट्रेड करना है, तो हम मान लीजिए SBI में करना है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर SBI में सर्च करेंगे उसी तरह जैसे हमने पहले सर्च किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ गया है कंपनी का स्टॉक खुल के, तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे कंपनी का स्टॉक है सफलतापूर्वक यहाँ पे ऐड हो गया है। और इसी तरह हमें यहाँ पे स्कैल्पिंग की पोजीशन को एग्जीक्यूट करना है जैसे हमने पहले किया था। फिर से आपको यहाँ पे स्कैल्पर की बटन में क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपके सामने फ्लोटिंग विंडो खुल के आ जाएगी। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखें, फ्लोटिंग विंडो उसी खुल के आएगी जिसके ऊपर आपको ये ब्लू वाला बॉक्स दिखाई देगा, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे कि अगर मैं ब्लू वाला बॉक्स को इधर मैं लेफ्ट साइड वाले में क्लिक करूँगा तो इधर आ जाएगा, तो आपको फ्लोटिंग विंडो ये आपको स्टेट बैंक की दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश वाला ये विकल्प दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ्लोटिंग विंडो चेंज होगा, यूनियन बैंक की हो जाएगी, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आप इसकी तरह भी यहाँ पे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पे धन का, तो आप इसका भी इस्तेमाल करके अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ में आप स्टॉक ट्रेड करना है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे Nifty 50 के इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर फिर से यहाँ पे सर्च करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेआउट है पहले उसको चेंज कर लेंगे, तो पहले हम लेआउट को चेंज कर लेते हैं। तो और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्च करेंगे फिर से हम यहाँ पे, तो हम Nifty 50 का इंडेक्स यहाँ सर्च करेंगे Nifty 50। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंडेक्स यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो हम इसको यहाँ पे टैप करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इंडेक्स का जो चार्ट है यहाँ पे ओपन खोल के होके आ गया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम सीधे डायरेक्टली निफ्टी 50 के जो इंडेक्स पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो निफ्टी 50 में जो हम ट्रेड कर सकते हैं वो कर सकते हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शन में, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा स्कैल्पर का बटन, तो आपको फिर से इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने फ्लोटिंग विंडो खुल के आएगी, तो आपको यहाँ पे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, जैसे देख सकते हैं ATM का, हाईएस्ट OI का, मोस्ट ट्रेडेड का विकल्प दिखाई दे रहा होगा, और आपको अंत में दिखाई दे रहा होगा डेल्टा। तो जैसे कि आप मान लीजिए ATM में क्लिक करेंगे, तो
तो आपके सामने पॉप विंडो खोल के आएगी तो आपके दिखाई दे रहा होगा कि अभी आपको चल रहा है 22,984 भी, देखिए स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो एटीएम के आसपास जितनी भी कॉल ऑप्शन के यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और आपका जो मार्केट व्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। आपका बुलिश फॉर्म में है तो आपके यहाँ कॉल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे व्यू बेयरिश है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पुट की यहाँ पे प्रीमियम खुल के आ जाएंगी। तो आप इसी तरह यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फिर से आप यहाँ पे चार्ट का विकल्प दिखाई दे रहा है तो आप इस पर टैप करेंगे इस पर चार्ट वाले पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो पुट की प्रीमियम है वो यहाँ पे आ गई है। तो आप इसी तरह कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इसी भी स्कैल्पर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने ऑर्डर को सीधे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा इसको बैक करेंगे एक बार और यहाँ पे फिर से हम स्कैल्पर वाले में क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे हाईएस्ट ओआई दिखाई दे रहा है इसमें, अगर आप इसमें हाईएस्ट ओआई में क्लिक करेंगे उसी तरह आपको यहाँ पे जिस भी कॉल ऑप्शन में यहाँ पे हाई वॉल्यूम का यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे हो रहा है तो आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे बुलिश वाले में कॉल ऑप्शन दिखाई देंगे और आपको बेयरिश में आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन दिखाई देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड में भी चुन सकते हैं, उसकी तरह आप यहाँ पे एक्सपायरी भी दिखाई दे रही है, आप अपने अनुसार यहाँ पे एक्सपायरी को यहाँ चेंज कर सकते हैं। और अब जिस भी एक्सपायरी को आप चुनेंगे तो आप उसमें भी यहाँ पे चुन के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक आपको यहाँ फीचर ये दिखाई दे रहा होगा, एक आइकन वाला, ये इस कैंडल की तरह आइकन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स खुल के आ गए हैं हर एक सेक्टर के। तो आपको निफ्टी 50 का आ गया होगा, निफ्टी बैंक का आ गया होगा, फिन निफ्टी का आ गया, निफ्टी मिड कैप का आ गया। तो मान लीजिए आपको फिन निफ्टी में क्लिक करेंगे, फिन निफ्टी में क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं जितने भी इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक आते हैं तो आप किसी भी स्टॉक में सीधे डायरेक्टली एक ही क्लिक में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखाई दे रहा है, हम सीधे इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप कुछ नहीं करना, सीधे आप चार्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे खुल के आ गया है। तो आप भी सेम प्रक्रिया से यहाँ पे भी स्कैल्पर के माध्यम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम यहाँ पे जो धन का स्कैल्पिंग फीचर है यहाँ पे किस तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका भी धन में अकाउंट है तो आप यहाँ पे सीधे इस स्कैल्पिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो आप उस पर क्लिक करके भी धन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे धन में। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।